हाल ही में तबलीगी जमात के बारे में बहुत कुछ सुना होगा हम सभी ने, लेकिन ये कौन है और कैसे अपने धर्म का अभ्यास करते हैं ये कम ही लोग जानते हैं। एक बात तो निश्चित है कि वो GQ जैसे फैशन मैगजीन के फ्रंट कवर पर कभी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनके कपड़े पहनने का अंदाज आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ है। पैजामा पहनते हैं पतलून की बजाय कमर के बहुत ऊपर 1930 के दशक के अंदाज में, ताकि वो एड़ियों के ऊपर है और जमीन से टकराकर मैली न हो। मगर इससे अहम बात ये थी कि इस्लाम की शुरुआत में रिवाज यही था, बिल्कुल हॉलीवुड अभिनेता ह्यू जैकमैन की तरह, जिसने वुल्वरिन फिल्म में दाढ़ी रखी मगर मूंछों के बिना। तबलीगी वैसे ही दाढ़ी रखते हैं, बजाय सिर्फ इसके कि इसे वे काटते नहीं बल्कि बढ़ने देते हैं। अमेरिका के एमिशो की तरह ईसाई धर्म की ही एक शाखा, जो आज के आधुनिक युग में भी प्राचीन परंपराओं और प्रथाओं का पालन करती है। मुस्लिम तबलीगियों ने आधुनिकता को इस कदर दरकिनार किया है कि मशहूर फर्नीचर मेगा स्टोर आइकिया का दिवालिया निकल जाए। पहले तो जितना हो सके वो बिस्तर पर नहीं सोते, खाना मेज पर नहीं खाते, कुर्सियों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ना ही खाना खाते वक्त कांटे या चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। हाथ से भी खाने का उनका एक खास तरीका है, हमेशा सिर्फ उंगलियों का उपयोग, तर्जनी या इंडेक्स फिंगर, बीच की उंगली और अंगूठे से निवाला मुंह में डालते हैं। साथ ही वे कुछ प्राचीन रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करते हैं, जो प्रथाएं पैगंबर मोहम्मद के समय 600 ईसा पूर्व में मौजूद हुआ करती थी। और हालांकि इन रिवाजों का अब कम ही लोग पालन करते हैं, जैसे वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने दांतों को दातून या मिसवाक से साफ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके पैगंबर किया करते थे। धार्मिक मामलों पर वे रूढ़िवादी माने जाते हैं, हम सिर्फ जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की परवाह करते हैं। मगर तबलीगी भी बाकी मुसलमान की तरह वही धारणा, ईमान और रिवाजें। इस्लामी धर्म शास्त्र के सैकड़ों सालों के इतिहास में कई धार्मिक सोच स्कूल ऑफ थॉट रह चुके हैं, जिनमें से अधिकांश का आज नामो निशान नहीं रहा या फिर उनमें से बहुत कम अनुयायी शेष बचे हैं। इन 5 प्रमुख धार्मिक सोच को छोड़कर सभी मिट गए। 4 सुन्नी स्कूल, हनाफी, मालिकी, शाफी और हम्बली, और अकेला शिया स्कूल जाफरी। हनाफी सोच है जो भारत में प्रमुख है और जो हाल ही में बरेलवी और देवबंदी में बढ़ गई, जिनमें से तबलीगी जमात उनकी एक शाख है, जिसका गठन 1926 में हुआ। तबलीगी पंथ तब पैदा हुआ जब यूपी मुजफ्फरनगर के मोहम्मद इलियास कांधलाव ने देखा कि मेवत हरियाणा के मलखान राजपूत और मियो मुसलमान, जो कि बीते अतीत में हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए, फिर भी पहले की कई परंपराओं का पालन अब भी किया करते थे, जैसे माथे पर तिलक लगाना या मांग में सिंदूर भरना। और जो उस समय सक्रिय रूप से हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे थे, आर्य समाज आयोजित पुनः शुद्धिकरण समारोह समाज शुद्धिकरण द्वारा मनोदशा को रोकने के लिए उन्होंने विदेशी अरब प्रथाओं और परंपराओं को उनमें शामिल करने की कोशिश की, जिससे वो हमेशा के लिए पुनः परिवर्तन के खिलाफ हो जाएं। हे मुसलमान, सच्चे मुसलमान बनो। और निजामुद्दीन नई दिल्ली में बांग्ले वाली मस्जिद में तबलीगी जमात की स्थापना की, अपने मुख्यालय को अरबी नाम मरकज या केंद्र देकर। पूरा जोर प्रवचन पर दिया, जिससे वो अपने मजहब का संदेश फैला सके। तबलीग शब्द का मतलब होता है फैलाना। योगिंदर सिकंद अपनी पुस्तक तबलीगी जमात और उसकी उत्पत्ति और प्रचार में लिखते हैं, तबलीगी मानते हैं कि गैर अरब देश के मुसलमान इस्लाम सही तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें अपना व्यक्तिगत समय को त्याग कर प्रचारक की भूमिका निभानी पड़ती है और देश भर का वो सफर करते हैं, ताकि अपना संदेश फैला सके। अन्य इस्लामी समूहों से अलग वे राजनीतिक प्रभाव का पीछा नहीं करते, बल्कि तबलीगी जान बूझ कर खुद को राजनीतिक क्षेत्र से दूर रखते हैं। इतने लो प्रोफाइल खुद को रखते हैं कि अब तक मुसलमान हलकों के बाहर वे लगभग अनजान थे। इस संगठन पर कभी कोई किस्म का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान भी नहीं, जब RSS और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाए गए थे। भारत की 2 प्रमुख सुन्नी मुस्लिम शाखाओं में से बरेलवी विचारधारा इस्लाम की ज्यादा सहनशील और आत्मिक विचार का पालन करती है, जैसे कि मुंबई की हाजी अली दरगाह के संत में मानना और मधुर कव्वालियों और संगीत में एतराज नहीं करते, अगर वो खुदा और उनके संतों की प्रशंसा में गाए जाते हैं। देवबंदी कट्टरपंथी भावियों से प्रेरित है, जो संत या संगीत को सख्ती से मना करते हैं, और तबलीगी भी उन्हीं असूलों पर अमल करते हैं। तबलीगी धर्मधारा की स्थापना की गई थी बुत परस्त प्रथाओं से बचने के आधार पर, इसलिए वे इन मुद्दों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जात्रा और उर्स में भागीदारी, होली और दिवाली में हिस्सा लेना, और यहाँ तक कि प्रसाद भी स्वीकार नहीं करना,
इसके बदले जोर अनुष्ठानों पर दिया जाता है। इबादत करने का सही तरीका, मुसलमान दिखने का सही तरीका, कपड़े पहनने का सही तरीका। उनका ध्यान इस्लामी कानूनों में इतना डूबा है कि दुनिया की समस्याओं को अनदेखी करने के लिए आलोचना की जाती है। तबलीगियों का मानना है कि मुसलमान को उनके खिलाफ अत्याचार किए जाने पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, चाहे वो भारत में हिंदू करें या फिलिस्तीन में इजरायली। हालांकि इन्हीं पुराने ख्यालों की वजह से अनुयायियों के बीच रूढ़िवाद विचारों ने जन्म लिया है और कुछ जो आधुनिक दुनिया से समझौता नहीं कर पाते आतंकी गतिविधियों का शिकार बने। हालांकि संगठन को कभी भी इन जुर्मों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। साथ साथ लंदन बम विस्फोट में शामिल सदस्य तबलीगी जमात का अनुयायी था। 9/11 आतंकी हमलों का एक लौता जिंदा आरोपी जकारियास मोसावी फ्रांस में एक तबलीगी अनुयायी था। अपनी पुस्तक मुस्लिम दिमाग के लिए युद्ध फ्रांसीसी लेखक और इस्लामिक विद्वान गायस केपेल कहते हैं, तबलीगी जमात यूरोप का पहला इस्लामिक तहरीक था जिसने नौजवानों को निशाना बनाया जो अपनी पहचान खो चुके थे और जो शराब और छोटे मोटे अपराध किया करते थे। जमात ने उनका जीवन बदल डाला। पूर्व सोवियत ब्लॉक मुस्लिम देश उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान और रूस के अलावा जहां उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, तबलीगी 80 से अधिक देशों में सक्रिय हैं। बांग्लादेश में बिस्वा इज्तिमा आयोजित कार्यक्रम में जमात के करीब 50 लाख अनुयायी शामिल होते हैं, सालाना हज से भी ज्यादा, जहां सिर्फ 20 लाख आते हैं। अपने उपदेश के प्रचार में तबलीगी इन उसूलों का पालन करते हैं, ना पर्चा, ना चर्चा, ना खर्चा। जमात के सदस्य किसी पर मोहताज होने के बदले खुद के पैसे खर्च करते हैं, मस्जिदों में रहते हैं जब निर्धारित 3 दिन जमात या सभा में भाग लेने आते हैं, या 40 दिन की सालाना यात्रा पर सफर करने निकलते हैं। कई इस्लामिक विद्वान उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो अपने इस्लामिक कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हुए परिवार को छोड़कर हर महीने यात्रा पर निकल जाते हैं। मार्च 2020 में 70 से अधिक देश से 2000 विदेशी ऐसी ही एक सभा जमात के लिए भारत आए, जिनमें से कुछ शायद मलेशिया से आने वाले लोग थे जो अपने साथ कोरोना वायरस ले आए, जिससे तबलीगी जमात का नाम बदनाम हुआ और वे सबकी नजर में आए। उनकी इस गलतफहमी के बावजूद कि उन्हें वायरस असर नहीं करेगा, 9000 से अधिक सदस्य संक्रमित हुए, जिनमें से 1300 विदेशी तबलीगी थे। उनमें से 960 लोग अब भारत में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किए गए और हो सकता है कि भारत में जमात का प्रचार कार्यक्रम शायद हमेशा के लिए ठहराव में आ सकता है। विदेश मंत्रालय से गुजारिश है कि जो विदेशी भारत में प्रचार करने के लिए आते हैं उन्हें पर्यटक वीजा देने से परहेज करें, क्योंकि ये वीजा नियमों का उल्लंघन है। सरकार अब इस बात की जांच करेगी कि क्या जमात को प्रतिबंधित इस्लामिक संगठनों या फिर कट्टरपंथी वहाबियों से दान मिलता है। वैसे भी तबलीगी जमात पहले से ही अंदरूनी विवाद में, 2 साल पहले ये 2 गुटों में विभाजित हुआ। जमातियों के मुख्य शाखा प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधावली निजामुद्दीन दिल्ली में बैठते हैं और दूसरा छोटा हिस्सा मौलाना अहमद लाड और इब्राहिम देवला चलाते हैं, मुंबई से 75 किलोमीटर दूर नहरल से। भारतीय संविधान ने सभी को अपने विश्वास का अभ्यास करने की अनुमति दी है और जबकि अनुष्ठानों और प्रथाओं का पालन करने में कोई बुराई नहीं है, ये साफ है कि तबलीगियों का आधुनिकता को ठुकराना पाखंडी बर्ताव है। जैसे कि कुछ आधुनिक सुविधाएं, रेलगाड़ी और वाहनों का उपयोग करना 1400 साल पहले उपलब्ध परिवहन की बजाय। जैसे ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में तरक्की होती है, धर्म की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि ये सब चीजें हमें वो जवाब बेहतर दे सकती हैं जो कुछ सदी पहले धर्म क्या करता था। बिस्बो की शायरी चर्चा में अब खूब है तबलीगी जमात, सभी पुराने ढंग की करते हैं वो बात, हो पुराने समय सा चाहे वो हो धर्म, उसी पुराने वक्त से करते वो सब कर्म, कोरोना से युद्ध में लगा हुआ संसार, देश का दे दे साथ सब यही धर्म आधार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।